गलवान घाटी में भारत चीन का सीमा विवाद पहले से ही चल रहा है। चीन की भारत सीमा पर घुसपैठ के बाद दोनों देशों ने अपनी सेना की ताकत को बढ़ाना शुरू कर दिया था। चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर न सिर्फ सैनिकों की तादाद बढ़ा रहा है बल्कि यहाँ हथियारों का जखीरा भी जुटा रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को ये जानकारी दी। उन्होंने साफ कर दिया कि भारत भी चीन की हरकतों पर पैनी नजर बनाए हुए है और देश की सुरक्षा के लिए तैयारी पूरी की गई है। बागची ने कहा, चीन उकसाने वाली हरकतें करके LAC में बदलाव की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत भी अपनी सरहदों की हिफाजत करना अच्छे से जानता है और हम अपने हर हित की सुरक्षा के लिए तैयार हैं। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुनयांग ने भारतीय सेना पर आरोप लगाया था कि वो गैर कानूनी तरीके से चीन की जमीन पर कब्जा कर रही है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने चीन के दावे और आरोपों को सिरे से ही खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि चीन सरहद पर हर तरह की तैनाती बढ़ा रहा है, लेकिन भारत इस पर अपनी पैनी नजर रख रहा है। इस विवाद के चलते सेना प्रमुख MM नरवणे आज से 2 दिवसीय LAC के दौरे पर हैं। इस दौरान सीमा पर सेना की तैयारी का वो जायजा लेंगे। दूसरी ओर बागची ने कहा, हमने LAC पर जो तैनाती की है वो चीन की तैयारियों के जवाब में है। अगर उस तरफ से कोई भी हरकत होती है तो भारत को पूरा हक है कि वो इसका जवाब दे। हम चाहते हैं कि चीन लद्दाख में पहले से अनसुलझे मुद्दों को बातचीत के जरिए सुलझाए। बागची ने कहा, इसी महीने तजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में विदेश मंत्री जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से कहा था कि दोनों देशों को अनसुलझे मुद्दों के हल के लिए बातचीत करनी होगी। इसके लिए पहले किए जा चुके समझौतों और प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखा जाना चाहिए। अब देखना होगा कि चीन और भारत की LAC पर सेना की ताकत बढ़ाना कहीं जंग के संकेत तो नहीं। बहरहाल इस खबर को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।